लोकसभा चुनाव का छठा चरण शनिवार को खत्म हो गया, जिसमें 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले गए। मतदान के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि उनके यहाँ वोट प्रतिशत कितना रहा, सबसे ज्यादा वोटिंग कहाँ हुई और सबसे कम किस क्षेत्र में। तो बता दें कि छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर करीब 54.2% वोट पड़े, लेकिन कहाँ कितना वोट प्रतिशत रहा ये जानने से पहले वो 14 सीटें देखिए जहाँ शनिवार को चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही सीट के लिए मतदान हुआ, जिसमें 162 प्रत्याशी मैदान में थे। चलिए अब बताते हैं इन 14 लोकसभा सीटों का वोट प्रतिशत। छठे चरण में शाम 6 बजे तक जौनपुर सीट पर 55.52%, लालगंज सीट पर 54.39%, मछली शहर सीट पर 54.43%, फूलपुर सीट पर 48.94%, संत कबीर नगर सीट पर 52.64%, श्रावस्ती सीट पर 52.76%, सुल्तानपुर सीट पर 55.59%, तो इलाहाबाद सीट पर 51.75%, अम्बेडकर नगर सीट पर 61.64%, आजमगढ़ सीट पर 56.9%, बस्ती सीट पर 56.66%, तो भदोही सीट पर 53.3% मतदान हुआ और डुमरियागंज सीट पर 51.94% वोटिंग हुई। इन आंकड़ों में फेरबदल की संभावनाएं भी हैं, लेकिन इस लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल वोट प्रतिशत 54% को पार कर गया, हालांकि ओवरऑल ये कम ही रहा। वहीं 14 सीटों में अंबेडकर नगर पहले स्थान पर रहा, जहां सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत दर्ज किया गया है। इसके अलावा नीचे से पंडित नेहरू की कर्मभूमि फूलपुर है, यहां सबसे कम वोट प्रतिशत देखने को मिला। फिलहाल अब सत्ता के सातवें द्वार का इंतजार है। कहते हैं जिसने सत्ता का सातवां द्वार भेद लिया वही बनता है विजेता। खैर अभी तो 1 जून को सातवें चरण की वोटिंग होगी, उसके बाद ही पता चलेगा इस चुनाव का विजेता।